हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं आज की शिक्षा विभाग की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। तो यहाँ पर देखते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं के बीच में ही यहाँ जो है बदले गए 3 केंद्र व्यवस्थापक। तो यहाँ पर देखते हैं व्यवस्था नहीं संभालने पर जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई, और यहाँ पर 16,741 छात्रों ने परीक्षा यहाँ पर दी है, और गणित विषय में 15,000 लोगों ने परीक्षा दी है, जिसमें यहाँ पर गणित और ड्राइंग में बताया गया कि 1,000 से ज़्यादा लोगों ने परीक्षा यहाँ पर छोड़ भी दी गई है। और समय पर नहीं आते शिक्षक, बच्चों के पास रहती है चाबी। तो यहाँ पर देखते हैं कि बागेश्वर जिले में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें यहाँ पर बताया गया कि समय पर शिक्षक नहीं आ पा रहे हैं। और ये आपका यहाँ पर तिपोला का एक वीडियो है, जिसमें यहाँ पर छात्रों के पास जो है भी चाबी रह रही है। चार परिसर में यहाँ पर जो है 143 शिक्षकों की भर्ती। तो यहाँ पर देखते हैं अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत परिसर में वॉक एंड इंटरव्यू के द्वारा यहाँ पर 143 पदों की भर्ती होनी है। इसके लिए भी सेवार आपके रखे गए हैं। और साथ ही यहाँ पर अल्मोड़ा में देखते हैं कि 29,000 बच्चों को जो है पुष्टि आहार जो है बंद कर दिया गया है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य बहिष्कार से बंद हुए लगभग लगभग 1,860 केंद्र। तो ये है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी हुआ है। और औली में यहाँ पर 16 साल बाद जो है मार्च में हो रही राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप। तो यहाँ पर देखते हैं कि 9 और 10 को होगा आयोजन। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने को यहाँ पर आमंत्रित दिया गया है। 8 मार्च को पहुँचेंगे खिलाड़ी यहाँ पर। और देश के पहले जो यहाँ पर अंडर वाटर मेट्रो की जो है मोदी ने की यहाँ पर सवारी। गणित का आसान पेपर 15 मिनट पहले ही यहाँ पर कर दिया हल। तो यहाँ पर देखते हैं परीक्षा के बाद जो है आत्मविश्वास से भरी नजर आई छात्र छात्राएं, और सरल पेपर बताया गया गणित का, और इसमें 825 अभ्यर्थियों ने छोड़ी है बोर्ड परीक्षा। और हरियाणा से लीक हुआ था पेपर। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड में लगभग परीक्षा जो पुलिस की भर्ती का लीक हुआ था वो हरियाणा से बताया गया था। पेपर आउट करने का जो है ठेका लेते थे आरोपी, और इसमें यहाँ पर जो है एरट के कंकर खेरा और यहाँ पर जो है एसटीएम ने गिरफ्तारी कर दी गई है, और यूपी पुलिस हरियाणा से हुआ था बताया गया है लीक। और अपर सचिव विनोद सिमल्टी ने किया संकलन केंद्रों का निरीक्षण, और ये उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के अपर सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने यहाँ पर परिषद परीक्षाओं के जो है सिलसिले में कुछ परीक्षा केंद्र और यहाँ पर जो संकलन केंद्र का निरीक्षण किया हुआ है। और 3,500 से ज़्यादा यहाँ जो है परीक्षा कॉपियाँ जो है चेक करेंगे। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की जो है परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य 27 मार्च से शुरू होगा। इसके लिए मूल्यांकन के लिए 3,500 से ज़्यादा शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इस पर मास्टर्स ट्रेनिंग को यहाँ पर 19 मार्च को बोर्ड मुख्यालय में जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। और सचिव ने उठाई पुरानी पेंशन बहाली की मांग। तो यहाँ पर देखिए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने मांग उठाई गई है। और वहीं बात करें परीक्षा देने गई छात्रा से दुष्कर्म जो मुकदमा दर्ज हो चुका है, पिता की तहरीर पर जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है, जो कि यहाँ पर 10वीं में पढ़ने वाले छात्र के साथ दुष्कर्म हुआ है काशीपुर में। और वहीं बात करें बोर्ड परीक्षा के बीच जो है यहाँ पर सीनियरिटी विवाद से सुलगा शिक्षा विभाग। तो यहाँ पर देखते हैं जूनियर को सभा समिति और दूसरे जूनियर को जो है सारे अधिकार देने से मौजूदा सचिव खपा यहाँ पर हो चुके हैं, नाराजगी चली हुई है। इसमें यहाँ पर उत्तराखंड के बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के बीच उत्तराखंड विद्यालय परिसर के भीतर तूफान खड़ा हुआ है, क्योंकि आमने सामने यहाँ पर कई चीज़ें हो चुकी हैं। और दो शिक्षक जो है नेशनल टेबल टेनिस में दिखाएंगे दमखम। तो यहाँ पर देखते हैं जिले के अल्मोड़ा में जिले के दो शिक्षक जो है उनका चयन नेशनल टेबल जो टेबल टेनिस है वहाँ प्रतियोगिता के लिए उनका चयन हुआ है। दोनों जो है गांधीनगर में होने वाले टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जो है उत्तराखंड की टीम की ओर से यहाँ पर अपना दमखम दिखाने वाले हैं। प्रोफेसर निभाएंगे चुनावी ड्यूटी, अस्थायी शिक्षक लेंगे क्लास। तो यहाँ पर देखते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व को संपन्न कराने को यहाँ पर जो है MBPG कॉलेज महिला कॉलेज में यहाँ बताया गया है कि सरकारी महाविद्यालय के प्राध्यापकों की ड्यूटी जो है लग चुकी है, और चुनावी प्रक्रिया भी अहम जिम्मेदारी। संघ कॉलेज प्रशासन पर भी जो है सत्र को नियमित करने का दबाव है, इस तरह का बताया गया है। और कुमाऊं विश्वविद्यालय के हर विभाग में यहाँ पर जो है 2 छात्रों को यहाँ पर VC फेलोशिप। तो यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत ने जो है संकाय अध्यक्षों और यहाँ पर जो है विभागाध्यक्षों की बैठक लेते हुए कहा है कि शिक्षण संस्थान के मूल में यहाँ पर जो है विद्यार्थी हैं, इसलिए सदैव छात्रों के जो है कल्याण और लाभ का जो है ध्यान रखकर कार्य करें, ऐसा बताया गया है।
और राज्य में हाई स्कूल इंटरमीडिएट के यहाँ पर जो है 40 प्राइवेट कॉलेज को मान्यता। तो यहाँ पर देखते हैं कि सरकारी स्कूल की स्थिति होती जा रही है चिंताजनक बताया गया है, और कहाँ पर कितने स्कूलों में यहाँ पर जो है कमी आ रही है, लोग देखते हैं कितने स्तर घट चुका है यहाँ पर, इतने यहाँ पर हो चुके हैं। और उत्तराखंड के लिए सरकारी स्कूल की यहाँ पर स्थिति, छात्र संख्या कम होने पर जो है हर साल चिंताजनक होती जा रही है, और वहीं सरकारी स्कूलों में मुकाबले जो वित्त विहीन मैनेजमेंट वाले जो स्कूल हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। तो वित्त विहीन जो मैनेजमेंट स्कूल हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही बताया गया है। और मौजूदा साल में यहाँ पर जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 40 वित्त विहीन स्कूलों को मान्यता मिली है, तो इतने स्कूलों को मान्यता मिली है बताया गया है। और शासन की गठित कमेटी देती है मान्यता, शासन की गठित कमेटी यहाँ पर मान्यता देती है। और पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं तो वोट नहीं, तो यहाँ पर देखते हैं पीसीएस की नई भर्ती जो है युवाओं को जो है सोशल मीडिया पर जो है मुहिम छोड़ दी है, और वो जो पीसीएस की नई भर्ती नहीं निकालते हैं तो वोट नहीं देने को लेकर एक अभियान चलाया गया है बेरोजगार की तरह। और उनका कहना है कि पिछले 4 साल में यहाँ मुझे पीसीएस भर्ती नहीं निकाली है, और जिस वजह से यहाँ मुझे तैयारी कर रहे उनकी उम्र पार होने करने वाले जो आवेदन से पहले ही यहाँ जो है दौड़ से बाहर होते जा रहे हैं बताया गया है। दरअसल उत्तराखंड पीसीएस की जो आखिरी भर्ती नोटिफिकेशन 10 अगस्त 2021 को निकाला गया था, उसके बाद कोई भर्ती नहीं निकाले गए हैं। तो इसका मुख्य परीक्षा आपका 23 से 26 फरवरी 2023 के बीच में हुआ, परीक्षा परिणाम 27 फरवरी को जारी हुआ है, अभी बाकी इंटरव्यू रहा है। और पिछले कई साल बताया गया है कई दिनों से शासन के आयोग पर करीब 150 के करीब अध्याचन प्रस्ताव भेज दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी भर्ती नहीं निकाले गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर पीसीएस की भर्ती की मांग की जा रही है। बीएड के रिक्त सीटों पर जो है काउंसलिंग के बाद वरीयता के आधार पर जो है मिलेगा प्रवेश। तो यहाँ पर जो है छात्र हित को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से शैक्षिक सत्र 2023-24 में प्रवेश के लिए तृतीय चरण की जो ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद रिक्त सीटों के लिए जो है अंतिम चरण की काउंसलिंग के माध्यम से वरीयता सूची के आधार पर जो है प्रवेश दिया जाएगा। और अंतिम चरण में प्रवेश के लिए जो है कॉलेज अपने स्तर पर जो है बीएड प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण और अभ्यर्थियों से जो है आवेदन करने की प्रक्रिया संपादित करेंगे बताया गया है। और एक कार्यक्रम रखा गया इसमें यहाँ पर बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी उनसे आवेदन मांगे जाएंगे 6 से लेकर 9 मार्च तक। उसके बाद यहाँ पर जो है उनकी वरीयता सूची 11 मार्च को जारी कर दी जाएगी, और प्रवेश की तिथि यहाँ पर जो है 12 मार्च को होगी, 13 को अंतिम 57 जो होगा वो रखा जाएगा। और कॉलेजों का जो है लिया जा रहा है यहाँ पर स्पष्टीकरण लिया जा रहा है कुमाऊं विश्वविद्यालय का। और हंगामा तो चयन आयोग में जो है तालाबंदी के प्रयास पर जो है बेरोजगार गिरफ्तार। तो यहाँ पर देख सकते उत्तराखंड के बेरोजगार संघ के बैनर तले आयोग पहुंचे युवाओं ने जमकर किया हंगामा। तो यहाँ पर देखते हैं भर्तियों की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया है। 2 मार्च को सीएम आवास कोर्स के दौरान जो यहाँ पर आश्वासन पूरा ना होने पर जो है नाराज बेरोजगार ने बुधवार को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो है तालाबंदी करने की कोशिश की, और इस दौरान जो है बेरोजगार ने जमकर जो है हंगामा करा, और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद सुद्धवाला जेल ले गए थे। और यहाँ पर देखते हैं एलटी शिक्षक के अध्याचन संवर्ग में जो है सेवा नियमावली के कारण अटका रहा, और आयोग जो है प्रो एक्टिव होकर जो शिक्षा विभाग के साथ जो है काम करता रहा, और कैबिनेट से नियमावली संशोधन होने की सूचना मिली है, और युवा पूरी तरह जो है प्रक्रिया समझे बिना जो है दबाव बना रहे हैं आयोग के, इस तरह का मार्तले जी ने कहा है। और वहीं यहाँ पर छात्र न होने से यहाँ पर बंद हुए हैं 640 विद्यालय। तो छात्र ना होने की वजह से देखते छात्रों की संख्या घटने की वजह से 640 जो विद्यालय है बंद कर दिए गए हैं प्रदेश में। सरकारी विद्यालय में जो है छात्र संख्या में तेजी से घट रहे हैं, और इस वजह से 640 विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। और वहीं यहाँ पर जो है आयुर्वेदिक डायटिशियन कोर्स उत्तराखंड में भी यहाँ पर जो है शुरू होने वाला है इसके लिए जल्द ही। और वहीं बात करें यहाँ पर एक परीक्षा से यहाँ पर जो है DU है, AMU और BHU इन सभी में दाखिला करने की बात करी गई है। छात्र संख्या शून्य होने पर जो है प्रदेश में बंद हुए 640 से अधिक स्कूल, तो 640 से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं, स्थिति आप लोग देख सकते हो किस तरह की बनी हुई है। साथ ही अपर सचिव को यहाँ पर दिया गया है बोर्ड परीक्षा के सचिव का काम, और उत्तराखंड में जो है BRP CRP 900 पदों की भर्ती का जो है आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती करने के माध्यम से होगा, इसके लिए यहाँ पर आउटसोर्स की सब कुछ जारी कर दिया गया है। 55% अंकों होने चाहिए, BEd आपके वहाँ होने चाहिए, TT क्वालिफाई होना चाहिए, तो ये आपका यहाँ पर जो है शुरू करने वाले भर्तियाँ। और वहीं आप उत्तराखंड में दूसरे चरण में जो है 84 PMC स्कूल बनेंगे, तो यहाँ पर 84 जो स्कूल हैं PMC बनने वाले हैं, एक एक अध्यापक के भरोसे चल रखे हैं सरकारी विद्यालय। तो यहाँ पर देखते हैं एक एक विद्यालय एक एक स्कूल में एक ही शिक्षक होने की वजह से विद्यालय चले हुए हैं, शिक्षकों की काफ़ी कमी चली हुई है।
एलटी शिक्षा भर्ती निकालने के लिए तैयारी। योग्यता प्रश्न ने कहा कि यहाँ पर जो है एक दो दिन में भर्ती यहाँ पर निकाल दिया जाएगा, तो एक दो दिन का समय लगेगा, एलटी शिक्षा भर्ती आपके यहाँ पर आ जाएगी। और युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षा दल में भर्ती का एक और मौका, जिन लोगों ने यहाँ पर युवा कल्याण प्रांतीय रक्षा का फिजिकल नहीं दिया है तो उनके लिए यहाँ पर 11 मार्च को कुमाऊं मंडल के अभ्यर्थियों का होगा, जो कि पुलिस लाइन रोशनाबाद में होगा। और वहीं दूसरा आपका 12 मार्च को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स रायपुर स्टेडियम में होगा, जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षा गढ़वाल मंडल का किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिभाग कर सकते हैं।